तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर एंड क्लाउड इंटरप्राइजेस डेवलपर। ये जो दो प्रोफाइल होती हैं क्लाउड पे, आज उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली दोस्तों क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर जो होते हैं वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं, बट क्लाउड में वो मास्टर होते हैं। देखो कोडिंग अपने पास दो तरीके से होती है, एक तो नॉर्मल कोडिंग होती है जैसे C++ जावा वगैरह आपने सीख लिया और उसे ट्रेनिंग कर ली, दूसरी होती है क्लाउड पे डेवलपिंग करना ना। एक तो जावा से आप डेवलपर हो, कोडिंग ऑलमोस्ट वही हम लोग सब यूज़ करते हैं, बट दोनों में फ़र्क होता है। वो आप लोकल सिस्टम पे करते हो, फॉर सपोज वो आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे कर रहे हो, ये आप डायरेक्ट क्लाउड पे कर रहे हो, तो इतना दोनों में फ़र्क होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं क्लाउड डेवलपिंग में। तो बेसिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है कि आप इससे समझ गए होंगे कि जो क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं ना वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, बट वो क्लाउड पे काम करते हैं, और जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो एक लोकल सिस्टम पे काम करते हैं। देखो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जिसमें पहला होता है कॉस्ट सेविंग। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेटअप या सॉफ्टवेयर ले रहे हो या कुछ स्पेस ले रहे हो ना, तो जितना आपको यूज़ है सिर्फ उतना आप यूज़ करते हो, ये क्लाउड की एक खासियत होती है। मेन एक मेजर पॉइंट होता है कंपनीज के लिए वो होता है सिक्योर, क्योंकि आपको क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पे। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर की। और इसमें नंबर जो 3 पॉइंट्स है ना, मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, इसमें डिजास्टर रिकवरी भी इजीली होती है कि आप क्लाउड यूज़ कर रहे होते हो और किसी से आपने वो प्लेटफॉर्म लिया हुआ होता है तो आपको फुल सपोर्ट करता है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी आपको बैकअप चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए क्लाउड जिससे भी आपने ले रखा है वो टीम आपको सपोर्ट करती है बैकअप वगैरह के लिए। और जो 4th पॉइंट है हिजी कि फ्लेक्सिबल होता है यूज़ करने के लिए, जहाँ मन आपने किया वहाँ पे लॉगिन किया किसी भी सिस्टम पे। जैसे अभी क्या होता है कि आपको ऑफिस का सिस्टम चाहिए और क्लाउड से है तो आपके पास एक लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, आप किसी भी सिस्टम में जाके वहाँ पे लॉगिन करोगे और उस पे कोडिंग कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल होता है कि जो क्लाउड पे डेवलपर होता है। और इसमें क्लाउड भी कई तरीके से होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और एक मल्टी क्लाउड के नाम से भी टेक्नोलॉजी है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली इसके बेनिफिट हैं क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर के। और सेम ऑलमोस्ट पॉइंट भी उसका वही होता है जो क्लाउड इंटरप्राइजेस डेवलपर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंटरप्राइजेस क्लाउड डेवलपर होते हैं ना, उनकी अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे आईटी के रिसोर्स जितने भी हैं ना वो वर्चुअल एक्सेस किए जा सकें। अब आईटी रिसोर्स इन द क्या, इन द सेंस आपका फायरवॉल हो गया, स्विच हो गया, सर्वर हो गया, जितने भी आईटी के रिसोर्स है ना। इंटरप्राइजेस का मतलब भी वही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस वर्ड से सीधा समझ में आता है कि इंटरप्राइजेस का यहाँ पे मतलब क्या है, जहाँ पे आप आईटी के आईटी रिसोर्सेस जितने भी यूज होते हैं ना उनको आप वर्चुअली एक्सेस कर पाओ, दैट इज द इंटरप्राइजेस क्लाउड। और ये आती कहाँ से है, फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर ऑन अ पे बेसिस। अब देखो यहाँ पे आईटी वर्चुअलाइजेशन होता है, तो मतलब जाहिर सी बात है आईटी में क्या क्या इंफ्रा है, इंटरप्राइजेस का मतलब कि वो आता है इंफ्रा में क्या है, आपका नेटवर्क होगा, फायरवॉल होगा, स्विच होगा, एवरीथिंग जो आपके आईटी रिसोर्स में आता है, या टेक्निकल सपोर्ट की जॉब के लिए आप बोल लो तो वहाँ पे वो आता है। और ये पे बेसिस पे होता है जो कि आपके प्राइवेट या पब्लिक क्लाउड से कनेक्ट होते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आता है कि वो क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर है जो कि एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दूसरा इंटरप्राइजेस डेवलपर जो कि उससे सीधा समझ में आता है कि इंटरप्राइजेस मतलब इंफ्रा को वर्चुअल आपने कहीं स्टोर कर रखा और वहाँ से वो सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे। अभी जैसे अपन लोग विंडोज सर्वर 2012 या 16 जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो अपने पास वो फिजिकली रखा हुआ है कहीं पर, और जब आप इंटरप्राइजेस क्लाउड डेवलपर बनते हो ना तो वो क्या होता है कि हम लोग सारी चीज़ें वर्चुअली एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, आप समझ गए होंगे कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।